साथियों को मेरा नमस्कार। सभी गुजरात के जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गुजरात के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना विश्वास मुझे गुजरात के लोगों से मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मौका मिलेगा इसे वापस करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसे आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे हम लोग। आज मैं चार मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले सूरत में अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज सोरठिया, उनके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया। उनका सर फट गया बीच में से, कई टांके आए। उनका कसूर क्या था? वो एक गणपति बाबा के पंडाल में खड़े हुए थे, पूजा कर रहे थे। ये लोग आए और उन्होंने भगवान के सामने ही, भगवान की मूर्ति के सामने ही उनको, उनके ऊपर हमला किया और उनका सर फोड़ दिया। ये गुजरात की संस्कृति नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। गुजरात के 6 करोड़ लोगों को, जिसको जहां जहां गुजरात के कोने कोने में पता चल रहा है कि इस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत नाराज हैं। इनकी गुंडागर्दी अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर जगह ये लोग डराते हैं लोगों को, हर जगह डराते हैं लोगों को। इस तरह का हमला ये दिखाता है, हमला आप कब करते हैं सामने वाले के? जब आप हार रहे होते हैं। ये हमला ये दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा बेचैन है बीजेपी, बहुत ज्यादा उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत उनको हार की बेचैनी है, उनको हार दिखाई दे रही है। मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस नहीं है, अपने तौर तरीके बदल लो। अभी तक तुम कांग्रेसियों से डील करते थे, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। हम सरदार पटेल को अपना आइडियल मानते हैं, हम भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। आपको लगता है कि हमारे ऊपर हमले करके डरा दोगे तो हम डरने वालों में कायर लोग नहीं हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे, भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे। और जो 27 साल से कुशासन चल रहा है गुजरात की 6 करोड़ जनता, उसका इस बार चुनाव के अंदर उनको विकल्प मिला है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको संयम रखने की इस वक्त जरूरत है। ये अभी और बहुत हमले कराएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पर हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पर हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी। और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा, बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। मीडिया को डराते हैं, बताइए ये लोग। मुझे पता चला पिछले साल किसी ने अखबार या किसी ने लिख दिया था कि फलाने फलाने सीएम जाने वाले हैं, उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा। इस साल किसी ने लिख दिया कि सीएम बदलने वाले हैं, उसके ऊपर केस कर दिए। ये क्या गुंडागर्दी है? आप इस तरह से मीडिया को डराओगे? सारे मीडिया को बोल रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना, सारे मीडिया वालों को बोल रखा है कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इस तरह से गुंडागर्दी से देश चलता है? इस तरह से गुंडागर्दी से
आप सरकार चलाना चाहते हैं? आज मैं सूरत जाऊंगा, शाम को गणपति पापा की महाआरती में शामिल होऊंगा, उनका आशीर्वाद लेंगे और सभी सूरत वासियों से मेरा हाथ जोड़ के अपील है, निवेदन है, सब लोग वहां पे आए, पूरा सूरत इकट्ठा हो, हम सब लोग मिलके एक साथ भगवान की पूजा करेंगे, सब लोग मिलके एक साथ भगवान का आह्वान करेंगे, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की समृद्धि के लिए। मैं वहाँ 7 बजे आरती शुरू होगी, सबसे अपील है कि 6:30 बजे तक सब लोग वहां पे पहुंच जाएं। और ये जितना हमला कर रहे हैं ये इनको उल्टा पड़ रहा है। जब से मनोज सोरठिया के ऊपर हमला हुआ है, सूरत के लोग इतने नाराज हैं, हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीट हैं, आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये 7 से भी बढ़ेंगी। 12 सीट हैं सूरत के अंदर, ये 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। दूसरी बात, मैं सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने सुना कि अभी बहुत बड़ी सभा हुई थी कोई बीजेपी की भुज में, उसमें जितनी बसें गई थी उन सारी बसों में जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने आते वक्त बसों के अंदर हर सवारी को बोला, जो जो लोग इनकी रैली में गए थे, कि भाई इस बार बदलाव होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और सब लोग इस बार झाड़ू पे वोट देना। तो जितने लोग उनकी सभा में गए थे उन सब लोगों ने तय किया है कि सभा में तो हम इनकी गए थे लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ करना है आपको काम, रोज़ जिस बस में आप जा करते हैं रोज बसों के अंदर हर सवारी को ये कहना है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये एहसान, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आपका ये एहसान मैं सरकार बनने के 1 महीने के अंदर, आप देख लेना, आपकी सारी डिमांड्स हम पूरी करेंगे, आपका एहसान मैं पर्सनली पूरा करूंगा। लेकिन अभी 3 महीने रह गए, हर बस के अंदर हर ड्राइवर को, हर कंडक्टर को, सवारियों को बोलना है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। पुलिस वालों का जब हमने मुद्दा उठाया तो उनकी डिमांड थी कि ग्रेड पे मिलनी चाहिए, सरकार ने उनको ग्रेड पे तो नहीं दी लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके भत्ते बढ़ा देते हैं। भत्ते बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने शर्तें रख दी नोटिफिकेशन में कि आपको एफिडेविट साइन करके देना है कि आप किसी भी, कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये आजाद देश है, इस देश के अंदर हर इंसान को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं विरोध करने के, प्रदर्शन करने के, कोर्ट में जाने के, ये क्या बात है। मैं सभी पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी इन शर्तों के ऊपर साइन मत करना, किसी को साइन करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर में सरकार बनेगी, आपकी सारी मांगे मानेंगे और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। और अंदर खाने जैसे आप अभी तक आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आप प्रचार करते रहो, जम के प्रचार करो। मेरे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स आए, आशा वर्कर्स आए, 108 नंबर वाले कर्मचारी आए, चिकित्सा कर्मचारी आए, ट्रैफिक कर्मी आए, ग्राम रक्षक दल के लोग आए, ऑटो ड्राइवर्स आए, आउटसोर्स कर्मचारी आए, होमगार्ड के लोग आए, सागर रक्षा दल के लोग आए। इन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में मैं हर ग्रुप से अलग अलग मिलूंगा, हर ग्रुप के साथ हम टाउन हॉल करेंगे, हर एक के साथ बात करेंगे। समय कम है, आप सब लोग अपने अपने तरह से प्रचार करो, खूब जम के प्रचार करो, सोशल मीडिया पे खासकर खूब प्रचार करो। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस तरह से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, गुंडागर्दी से उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मजबूरियां हैं,
आप लोग जितना हमें दिखाते हैं मीडिया वाले, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो नहीं दिखा पाते, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में आग लगा दो। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया में खूब प्रचार करो कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। आप सबसे मैं अलग अलग मिलूंगा और सबके मसलों को हम हल करेंगे। मैंने सुना अभी इन्होंने 3-4 मंत्रियों की कोई कमेटी बनाई है, गुजरात के मंत्रियों की, कि आप एक एक कर्मचारी विशेष वर्ग से मिलिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। 27 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले इनको कर्मचारियों की याद आई है, बताइए। 27 साल में इन्होंने काम नहीं किया इनके लिए। 27 साल में इन्होंने पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में इन्होंने ड्राइवर और बसों के कंडक्टर के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया, होमगार्ड के लिए कुछ नहीं किया, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। अब याद आ रही है चुनाव के 3 महीने पहले। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम करना नहीं चाहते। अभी कोरे कोरे लॉलीपॉप दोगे इनको और लॉलीपॉप देकर उनको बहकाने की कोशिश करोगे। सबसे मैं कहना चाहता हूं, इनकी बातों में मत आना। ये झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, इनको वादे पूरे नहीं करने, और चुनाव के बाद देखना तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे ये लोग। तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। एक में जितने बीजेपी के पन्ना प्रमुख हैं, हमें बीजेपी के लीडर्स नहीं चाहिए, वो लीडर्स बीजेपी अपने पास रखे। हमें बीजेपी के सारे जितने पन्ना प्रमुख हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने गांव-गांव के अंदर, बूथ के ऊपर, तालुका के ऊपर जितने लोग हैं, उनसे मैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इनमें कई अच्छे लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं। आप लोगों ने इतने साल बीजेपी की सेवा करी, क्या मिला आपको? आपके बच्चों को स्कूल दिए इन्होंने? आपके लिए अस्पताल बनाए? अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सच सच बताना, आपको अपने घर की जमीन और ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, नहीं बेचनी पड़ती? आपको भी इतने भारी भरकम बिजली के बिल देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते बीजेपी वालों को? मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप सारे जने छोड़ के, बीजेपी छोड़ने की जरूरत नहीं है, रहो वहीं, काम हमारे लिए करो, बीजेपी में रहो, काम आम आदमी पार्टी के लिए करो। कई लोगों को पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट वहीं से लो, हमारे पास तो पैसे नहीं है, पेमेंट वहीं से लो, काम हमारे लिए करो। जब हमारी सरकार आएगी, हम बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त आपके घर की भी होगी। मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मैं आपको फ्री शिक्षा दूंगा, मैं आपके परिवार का मुफ्त और अच्छा इलाज कराऊंगा, मैं आपकी महिलाओं को 1000-1000 रुपए दूंगा। क्या फायदा है बीजेपी में रह के? क्या फायदा है बीजेपी को दोबारा जिता के? तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वहीं रहो, काम हमारे लिए करो। प्रचार आम आदमी पार्टी का, अंदर खाने आप बड़े स्मार्ट हो, अंदर खाने काम आम आदमी पार्टी का करो। और चौथा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, पंचायत पसंदगी बोर्ड है, उसमें लगभग 6000 कर्मचारियों की सिलेक्शन हो चुकी है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार से विनती है कि उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएं, ताकि वो अपना काम ज्वाइन कर सकें, उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे, नौकरी मिल जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, तो तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके कोई प्रश्न है। ये जब खुद अपनी बिजली मुफ्त लेते हैं तो ठीक है, जनता को मुफ्त बिजली मिलती है तो कहते हैं रेवड़ी है। जनता को जब मैं कहता हूं मैं आपको रोजगार दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, तो ये कहते हैं रेवड़ी है। जो सुविधाएं सूर्या जी को मिलती हैं, जो सुविधाएं इनके मंत्रियों को मिलती है, जो सुविधाएं इनके MLA को मिलती है, जो सुविधाएं सांसदों को मिलती है, हम कह रहे हैं वो सुविधाएं जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये फ्री में हवाई जहाज में घूमते हैं, कम से कम जनता को फ्री में बस में तो दे दो। इनको 4000 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त मिलती है, जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त दे दो। जब तुम्हें मिलती है तो रेवड़ी नहीं है, जनता को मिलती है तो रेवड़ी है, ये कैसी बात है? गारंटी कार्ड में कर्मचारी के लिए कुछ होगा?
कर्मचारियों के लिए हर एक किसे अलग अलग मैं मिलता जा रहा हूं, और जो जो उनके मुद्दे हैं लगभग हर वर्ग के अलग अलग मुद्दे हैं। पुलिस वालों के अलग हैं, ड्राइवर कंडक्टर का मुद्दा था तनख्वाह उनकी कम है, पुलिस वालों का भी मुद्दा उनकी तनख्वाह कम है, उनको तनख्वाह देंगे, कुछ लोग हैं जो कच्चे हैं उनको पक्का करने की जरूरत है। मेरा सब लोगों से यही कहना है कि 27 साल के राज करने के बाद इनमें इतना घमंड आ गया है, इनमें इतना घमंड आ गया है, ये किसी की नहीं सुनते, जनता की नहीं सुनते, जनता को तो ये इंसान ही नहीं समझते। तो अब ये बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है, कुछ ना कुछ। हमारी पार्टी इतनी छोटी सी पार्टी है, हम इतने छोटे छोटे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो दैवी शक्ति हो रही है, कुछ ना कुछ तो भगवान करा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इतना माहौल बन गया आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर, पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव चाह रहा है। आई एम आस्किंग देम टू डू, मैं उनको कह रहा हूं धर्म का काम करो। अगर अधर्म का समाज के अंदर बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है तो उसके बाद हर इंसान का फर्ज होता है कि वो धर्म के लिए काम करे। इस टाइम इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इतनी गुंडागर्दी हो गई है, मैं आपसे पूछता हूं आप मीडिया वालों को धमकाया जाता है कि नहीं धमकाया जाता? आज सुबह भी मेरे पास कई एडिटर्स के फोन आए कि सुबह से फोन आ रहे हैं कि केजरीवाल की पीसी मत चलाना, केजरीवाल के इतने वीडियो क्यों डाले, केजरीवाल का कार्यक्रम क्यों, इनको डिबेट में नहीं बुलाते? आपको धमकी देते हैं कि नहीं देते कि डिबेट में नहीं बुलाना आम आदमी पार्टी वालों को? ये गुंडागर्दी तो बंद होनी चाहिए ना, ये तो अधर्म है। तो अधर्म का शासन स्थापित करने के लिए सब लोगों को काम करना पड़ेगा, उसमें सरकारी नॉन सरकारी की बात नहीं है। मेरा उनसे ये निवेदन है, इस टाइम अधर्म के खिलाफ काम करो। आम आदमी पार्टी धर्म की लड़ाई लड़ रही है, धर्म का साथ दो, आम आदमी पार्टी का साथ दो। हमारे आने के बाद हम अगर गलत काम करें हमें बख्शना मत, हमें छोड़ना मत, उसके खिलाफ भी काम करना। क्या तीसरी कैंडिडेट लिस्ट? अच्छा हाँ, कैंडिडेट लिस्ट वो जैसे पार्टी तय करेगी आपको बताएगी, आप चिंता मत कीजिए। इन लोगों को करने दीजिए, अभी तो खूब FIR होंगी, अभी CBI होगी, अभी ED होगी, अभी डंडे बरसेंगे, सर फोड़ेंगे ये लोग, हमारा हाथ नहीं उठेगा। ये जो हिंसा कर रहे हैं वो हिंसा कायर लोग करते हैं, हम लोग ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। अभी तो बहुत FIR होगी, उसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू।